Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PracBee practice app. Download now. Gravitational field lines. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता था वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होता है, ठीक है। तो ये एक मास से स्टार्ट होकर दूसरे मास पे जाके एंड होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये नहीं बताऊंगा। फिर गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, वहां पे क्या होता था, ई डॉट डी ए is equal to q enclosed by upon epsilon naught. यहाँ पे क्या हो जाएगा, g dot da integral q enclosed के जगह पे क्या आ जाएगा, mass enclosed, और epsilon naught के जगह पे कितना आ जाएगा, 1/4 pi g. जो कुछ भी हम उससे कर सकते थे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक से, वो सब कुछ गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन से भी कर सकते हैं। Now gravitational field, gravitational field due to solid sphere, ये सबसे important है, जितना भी field किए हैं उसमें सबसे important है ये, this is the most important one, gravitational field due to solid sphere, क्यों बता सकते हैं, planets and stars are solid sphere, ठीक है, that's why this is the most important one. So यदि मैं एक point P inside में पता करूं, so G का formula inside में क्या होगा, G m r upon r cube, ठीक है, और outside में कितना होगा, m g upon r square by the way, मतलब that is the distance of the point. So मेरा क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है, एट द सरफेस, सरफेस पे कितना होगा जी का वैल्यू, इसको जी नॉट कह देते हैं, सो एट द सरफेस जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एट द सरफेस आर का वैल्यू आर हो जाएगा, आर हाँ, तो जी क्या जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल बी यूजिंग जी नॉट जी एम बाय आर स्क्वायर फॉर अर्थ, फॉर अर्थ यदि आप यहाँ पे मास ऑफ अर्थ पुट कीजिएगा गूगल सर्च करके, और रेडियस ऑफ अर्थ पुट कीजिएगा 6400 × 10³ मीटर, ठीक है, तो जी नॉट का वैल्यू जो आएगा वो आपको 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ आपको, ये खुद करेंगे आप, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फेरिकल शेल, इस तरह से हॉलो स्फेरिकल शेल है, रेडियस आर है, तो इसमें जी कितना होगा इनसाइड में, बहुत ही अच्छा, मतलब कोई दूसरा मास उसके अंदर आएगा तो उसमें कोई फोर्स नहीं कर रहा होगा, और आउटसाइड में जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया।